नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। एक तरफ जहां कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए जमीनी संघर्ष कर रही है, अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है, अपनी पार्टी के बिखरे तिनकों को जोड़ने की आस लगाई बैठी है, वही कांग्रेस की गंगा दूसरी दिशा में बहती नजर आ रही है। जी हां, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कांग्रेस के विधायक जो है वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा का डंका बजा रहे हैं। भारत जोड़ो के बीच कांग्रेस छोड़ो का दौर, एकता की विचारधारा को लगा पलीता। कांग्रेस के 8 विधायक हुए बीजेपी में शामिल। भारत जोड़ो ने तोड़ी कांग्रेस की कमर। सियासी गलियारों में कांग्रेस छोड़ो यात्रा के चर्चे सुरूर पकड़े हुए हैं। सियासत इस कदर गर्मा गई है कि राजनीति की हवा कांग्रेस के विधायकों को साथ उड़ा ले गई। अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ये यात्रा विपक्ष को मजबूत करने के लिए तो नहीं चलाई जा रही, क्योंकि अगर इस यात्रा से किसी को फायदा हुआ है तो वो है बीजेपी। जी हाँ, बुधवार को गोवा में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का दामन थामकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस विधायकों ने पार्टी बदलने का फैसला उस वक्त लिया जब कांग्रेस शबर में खोई अपनी जमीन को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की इस भव्य यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम सभी लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। हम इस विश्वास को लेकर यात्रा कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। लेकिन ये क्या, कांग्रेस की विचारधारा का पाला तो पलटता दिख रहा है। बीते 4 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में शपथ ली थी कि चुनाव के बाद वो पार्टी नहीं बदलेंगे। कांग्रेस ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि साल 2017 में 15 विधायकों ने पार्टी बदल ली थी। शपथ के इस तोड़ ने उस गति को तोड़ दिया है जिस गति से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से केरल तक का सफर तय कर चुकी थी। राजनीति के गुणा गणित करने वाले विशेषज्ञों ने तो ये तक कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस तोड़ो यात्रा से बदल देना चाहिए, क्योंकि पार्टी टूट रही है, पार्टी खत्म हो रही है, लोग जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी देश की सबसे तजुर्बी और मजबूत पार्टी के नाम से जानी जाती थी, वो आज टूटने की चरम सीमा पर क्यों है? क्या वो वजह है जिससे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज देश की सबसे कमजोर पार्टी बन गई है? आखिर क्यों कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है? देश की सबसे पुरानी पार्टी हुई कमजोर, क्यों हुआ कांग्रेस का बेतोड़ सफाया? जानिए कांग्रेस के खात्मे की वजह। पार्टी के दिग्गजों से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबका यही कहना है कि पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। पार्टी में कोई किसी की नहीं सुनता, ना ही इज्जत है और ना ही कोई चर्चा, और नतीजा ये हुआ कि पार्टी की नींव ही हिल गई। हर बार जब किसी ने पार्टी छोड़ी है, हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, सभी ने ये बात कह दी है कि कोई उनकी नहीं सुनता। यात्रा देश को जोड़ने और इसे एक बनाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनौती बनी हुई है कि पार्टी एक कैसे बनी रहे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उन राज्यों में पूरी तरह से सफाया कर दी गई है जहां उसने कभी शासन किया था, और अब उसके वापस सत्ता में आने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इसका ताज़ा उदाहरण है गोवा। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायकों में पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा
और रुडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें से बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के 11 विधायक थे। अब इनमें से 8 बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों के पाला बदलने के बाद अब गोवा में बीजेपी के 28, एमजीपी के 2, निर्दलीय के 3, कांग्रेस के 3 और आपके 2, जीएफपी के 1 और आरजीपी का 1 विधायक है। गोवा में मार्च में सरकार के गठन के बाद ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस में फूट की तस्वीर सामने आई है। ये पहला मौका नहीं है जब गोवा में कांग्रेस को इस तरह का बड़ा झटका लगा हो। इससे पहले गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी। 2019 में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, तब पार्टी के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। ये तो साफ है कि कांग्रेस का अब जुड़ना मुश्किल है। कांग्रेस की तस्वीर के टुकड़े हर तरफ बिखरे हैं, लेकिन कांग्रेस का जी तोड़ संघर्ष जारी है। पार्टी फिर खड़ी करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वी न्यूज के साथ। जय हिंद।